गेट पर दस्तक होती है। जैसे ही घर का गेट खोला जाता है, एक महिला सहित चार लोगों की टीम खड़ी है, उसमें से एक पुलिस वर्दी में है। इनमें से एक व्यक्ति तुरंत हाथ मिलाता है और अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिसमें लिखा है ईडी। इसे देखते ही कोई भी पसीना पसीना हो जाए। जाहिर सी बात है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम सुनकर लोग घबरा उठते हैं। तो ये वायरल वीडियो मथुरा का है। जिनके घर खुद को ईडी के अधिकारी बताकर चार लोग पहुंचे थे, वो भी सर्च वारंट देखकर थोड़ी देर के लिए सहम गए। लेकिन फिर क्या हुआ, आपको बताते हैं। दरअसल मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में शुक्रवार को एक सराफा व्यापारी के घर में सुबह करीब 6:30 बजे चार लोग पहुंचे। ये घर राधा ऑर्किड कॉलोनी का मकान नंबर 108 है। सराफा कारोबारी अश्विनी अग्रवाल ने गेट खोला। इन लोगों ने सर्च वारंट दिखाकर तलाशी अभियान शुरू करने की कोशिश की। शुरुआत में व्यापारी ने उनके कहे अनुसार काम किया। क्या करते, ईडी का नाम जो लिया था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने व्यापारी का मोबाइल फोन भी छीन लिया, या यूं कहें कि जब्त कर लिया। लेकिन जल्द ही व्यापारी को उन लोगों पर शक हुआ। कागजों को अच्छे से देखते हुए अश्विनी का संदेह यकीन में बदलता जा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर व्यापारी ने पुलिस वर्दी में आए शख्स से पूछ लिया, आप कौन से थाने से हैं? लेकिन उसने जिस थाने का नाम लिया, उससे ये पूरी तरह से साबित हो गया कि ये लोग नकली हैं। फिर क्या था, सराफा कारोबारी अश्विन निकलकर बाहर भागे। सर्च वारंट उनके हाथ में ही था। ये देख वो चारों लोग भी अश्विनी को पकड़ने के लिए दौड़े। घर के बाहर आकर अश्विनी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले जुटने लगे। ये देख कथित ईडी अफसर लपक कर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर भाग निकले। ये फर्जी अफसर अश्विनी अग्रवाल का मोबाइल छीन ले गए थे। पुलिस ने उसे सर्विलांस पर लगाकर जानकारी की तो पता लगा कि ये आजही इलाके में है। तलाशती पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया। जब पड़ताल की गई तो कार पर फर्जी नंबर प्लेट निकली जो कि स्विफ्ट डिजायर कार में थी। कार पर DL12CJ6024 नंबर प्लेट थी। जानकारी में ये नंबर स्कॉर्पियो का निकला। ये भी पता लगा है कि ये स्कॉर्पियो वसंत विहार दिल्ली के एक व्यक्ति के नाम है। उन्होंने मुझे अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया, मेरा फोन छीन लिया। दिखाने पे उन्होंने अपने आईडी कार्ड और एक सर्च वारंट दिखाया, जिसको मैं पढ़ने लगा तो उन्होंने मुझसे वो सर्च वारंट छीन लिया। वो अंदर चल के बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे कुछ शक हुआ। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि सर आप कौन से थाने से हैं, मुझे SHO से बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं गोविंदपुर थाने से हूँ। तो मुझे मन में शक हुआ कि गोविंद नगर थाने की जगह ये गोविंदपुर बोल रहा है, ये अंदर जाने की बार बार बोल रहा है। तो मैंने लकड़ी का गेट बाहर से लॉक करके और बाहर की तरफ शोर मचाता हुआ भागा कि नकली ईडी और पुलिस वाले मुझे मार रहे हैं। और फिर वो कुछ लोग मेरे पीछे भी आए, उन लोगों ने पड़ोसियों से भी बात की और अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के भाग गए। SSP शैलेश पांडे ने बताया कि राधा ऑर्किड में अश्विनी अग्रवाल के यहाँ ईडी के नाम पर कुछ लोग आए थे। ये फर्जी टीम थी। मामले की जांच की जा रही है, CCTV खंगाले जा रहे हैं, सर्विलांस का भी सहारा लिया गया है। जल्दी ही वो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस टीम उनकी तलाश कर रही है। मगर दिमाग पर थोड़ा जोर डालें तो ये अक्षय कुमार की मूवी स्पेशल 26 से मिलती जुलती घटना लग रही है, जिसमें एक पूरा गैंग ऐसे ही अधिकारी बनकर लूट को अंजाम देता है। दरअसल स्पेशल 26 में फर्जी CBI अधिकारियों की कहानी दिखाई गई थी। वहीं मथुरा में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर पहुंचे चार लोगों ने व्यापारी को लूटने की भरसक कोशिश की, लेकिन व्यापारी के अलर्ट होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। तत्काल सूचना पे पुलिस टीम आई। हम लोग सर्च भी करा रहे हैं, सारे कैमरे हम लोग चेक करा रहे हैं। जल्द ही उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया ही जा रहा है। उनके विरुद्ध अपेक्षित विधिक कार्रवाई हम लोग शीघ्र सुनिश्चित कराएंगे।